ये बात सभी लोग जानते होंगे कि जब लड़का की शादी हो गए
जो रिश्ते आते हैं लड़कियों के लिए, लड़की के रिश्ते आते हैं लड़के के लिए, तो लड़का कछु ना जाना पोवे। तो घर वाले कहते हैं हाउ लड़का बड़ो होशियार है, खेती बाड़ी सब कुछ है, खूब पढ़ो लिखो है, लेकिन पढ़ो लिखो कतई ना हो तो ये बड़ी बड़ी बात है करते। तो एक गांव में एक भैया रहते थे, तो भैया रहते थे, तो दो भाई थे एक घर में। जब दो भाई थे तो परिजन महाराज खेती बाड़ी सीखा Thank you.
पूरी कर दी, भोले बाबा बोले कथा तो अपने घर की पूरी कर दी, तुम कहाँ गई थी?
अब भोले बाबा बोले कि अच्छा तुम सो गई थी तो हमें ओंकारे को बराबर मिलते रहे, फिर ओंकारे किसने दिए? पार्वती बोले हमारे राम ने। आइए ताली बजा कर बोलेंगे Thank you.
भगवान ये नहीं कहते कि तुम 24 घंटा माला लेके बैठे रहो, भगवान ये कहते 5 मिनट निकालो मेरे लिए, क्योंकि हमने तुम्हें बनाया, हमने तुम्हें ये शरीर दिया, हमने तुम्हें पृथ्वी पर भेजा, हमने तुम्हारी दुनिया बनाई और तुम हमें ही भूले बैठे हो और तुम दुनिया के बेढंग के पिताओं के चक्कर में पड़े हो। जब तुम्हारा पिता है ही नहीं, जो तुम्हारी तुम्हारा कुल खानदान है ही नहीं, तुम उसमें पड़े हो कि ये मेरा ये तेरा, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा, ये मेरा बाप है, कोई किसी का तब तुम्हारा चेहरा फूल की तरह खिलता था, लेकिन आज तुम्हारी ये काया कुमलानी हुई क्यों है? परीक्षित ने महाराज सारा हाल बताया, नारद को वही बात बताई कि जंगल में हमसे एक संत का अपमान हो गया और मुझे श्राप लगा है कि सातवें दिन हमें दक्षिण स्वर्ग सीखा। बाबा जी डर हमें इस बात का नहीं है कि हम मर जाएंगे, डर हमें इस बात का है कि जब हम मरेंगे तो हमारी मुक्ति नहीं होगी। आप हमें मुक्ति का कोई ऐसा साधन बता दो, मुक्ति का कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे हमारी मुक्ति हो जाए, क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि संसार में जो आया है वो एक ना एक दिन जरूर जाता है। इसीलिए मुझे केवल और केवल मुक्ति का रास्ता बता दो। तो जो दिन वचन कही, अच्छा परीक्षित महाराज, पापी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो लेकिन वो अंत में यही चाहता है कि मेरी मुक्ति हो जाए। सब अपनी अपनी मुक्ति चाहते हैं, लेकिन महाराज ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि संसार में जो आया है वो एक ना एक दिन जरूर जाता है। धन दौलत पैसा कितना भी कमा लो महाराज, कभी साथ नहीं जाता है। अगर साथ जाता है तो वो केवल और केवल भगवान का भजन और आपके किए हुए अच्छे कर्म। हाँ तो बहुत बहुत से वही से दुनिया में चले गए महाराज, दुनिया पे भगवान के पास चले गए, कोई कछु ले दो जिनके बोर रुपया भरे भरे रह गए महाराज, बेहूद चुन्नी ना ले गए। और सही बात है, ऐसी कमाई करो जो साथ जा सके और जो साथ ही ना जाए वो कमाई किस बात की, क्योंकि सभी लोग ये बात जानते हैं कि खाली यहाँ आए और खाली यहाँ भी जाओगे। जो मनुष्य दुनिया Thank you.
इसीलिए कहा जाता ना किसी के लिए बुरा सोचो, ना कभी किसी के लिए बुरा करो, ना कभी बेईमानी का घर कमाओ, ना कभी बेईमानी पर आश्रय। पार्वती बोली बताइए काई नहीं,
अरे बताने वाली बात होगी तो हम तुम्हें जरूर बताएंगे। क्या तुम्हारे दिमाग में जब आए हमसे पूछो के साथ रहते रहते क्या कभी भोले बाबा ने तुम्हें एक बात बताई? पार्वती बोली कौन सी? नारद जी बोले कि तुम्हें ये बताया कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? अब भोले बाबा जो मुंड पहने हुए हैं अपनी माला में वो मुंड किसके है कभी तुम्हें बताया? और पार्वती के दिमाग में झटका लगा, कहने लगी लला नारद बात तो तुम बनाए सही कह रही हो। अरे शादी करके आए हमें बहुत दिन हुए हैं लेकिन भोले बाबा ने हमें कभी जब बताई नहीं बात के उनके गले में जो मुंड की माला है वो किसकी है। देखो तुमने बात हमें बढ़िया बताई, अब तुम जाओ अब भोले बाबा को आंगे तो उनकी हम खबर ली। अब महाराज नारद जी तो जा ही समाये थे कैसे लड़ाई हो गए। सो नारद जी तो महाराज भू से घंटों करके चले गए, आग लगोई केवल बात ही रह गई थी। तो नारद जी जो गए सो आए भोले बाबा कैलाश पर्वत पे, और जैसे ही आए तो पार्वती उदास बैठी महाराज कैलाश पर्वत पे। भोले बाबा बोले पार्वती एक लोटा जल ले आओगे? पार्वती बोली हम नहीं ले, हम तो एक हो तो हमें चौदह ही लाए, हम नहीं ले पाए तो पानी नहीं दे पाएंगे, अपने हाथों से ले लो जाकर के जल पी लो, हम नहीं दे पाएंगे। भोले बाबा समझ गए आज बात कुछ गड़बड़ है, आज रूठी है। तो उसी समय महाराज अब भोले बाबा पार्वती के पास में पहुंचे, पहुंच करके जवाब दिया था बताओ तुम इतनी उदास काई को हो, कोई बात हो गई? हमारी तो लड़ाई भी नहीं हुई फिर भी तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? पार्वती बोली बातें तो हम जासो कर रहे कि तुम हमें बिल्कुल प्रेम नहीं करते हो। भोले बाबा बोले तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन, हम तुमसे बहुत प्रेम करते। पार्वती बोली अगर तुम हमसे प्रेम ही करत होते तो तुम अब हमसे बातें बहुत छुपाने लगे, तुम बहुत बातें छुपाने लगे, तुम तो झूठे हो। तो भोले बाबा बोले हमने तुमसे कौन सी बात छिपाई गई? पार्वती बोले तो तुमने हमसे जब आज छुपाई कितने दिन हो गए तुम्हारे साथ रहते रहते, जब तुमने हमें कभी ये बताया कि तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? अब तुम ये जो मुंड पहने हुए हो ये किसके हैं? तुमने हमें ये बात नहीं बताई इसलिए तुम झूठे हो, तुम हमसे प्रेम नहीं करते। भोले बाबा मुस्कुराने लगे, अस्कर में जवाब दिया पार्वती मुझको मैं इतनी बात पर नाराज हो है, अगर तुम्हें पूछनी थी ये बात तो तुम सीधे सीधे पूछ सकती थी, लेकिन तुम इतनी नाराज क्यों हो गई? लेकिन तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारा प्रश्न ये है कि मेरे गले में जो मुंड की माला है वो किसकी है? तो मेरी बात सुनो, ये मुंड और किसी के, जब तुम मरी हो तब तक मैंने तुम्हारे मुंडों को काट करके अपनी माला में पहना है, क्योंकि हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि जब तुम मर जाती हो तो तुम्हारे विरह में हमें तड़पना ना पड़े, इसीलिए तुम्हारे मुंड काट करके हम अपनी माला में पहनते हैं। तो ये मुंड किसके है? तुम्हारे ही है। आप पार्वती बोली अगर तुम झूठे हो। भोले बाबा बोले क्यों? पार्वती बोली चलो हमने मान ली कि हम मर जा, अब तुम मेरे मुंड काट के अपनी माला में पहन लेते, लेकिन जब बताओ हम ही मर जाते तो तुम नहीं मानते हो, तुम नहीं मरते हो? भोले बाबा बोले नहीं हम नहीं मरते। पार्वती बोली क्यों? भोले बाबा बोले हम इसलिए नहीं मरते क्योंकि मैंने अमर कथा सुनी है। पार्वती बोली भोले बाबा जी अमर कथा का हो? भोले बाबा बोले अमर कथा ऐसी होती है कि जो कोई एक बार उसे सुन लेता है वो अमर हो जाता है, वो कभी मरता नहीं है। अच्छा पति पत्नी के संबंध भी ऐसे ही होने चाहिए कि पति कोई काम करके आए तो पत्नी को ना छिपाए और पत्नी कोई काम करे तो पति को ना छिपाए। कभी घर गृहस्थी चल सकती है लेकिन ऐसा होगा कि पत्नी जा रही है पाकिस्तान और पति है हिंदुस्तान में और सोच रहे कि घर को स्वर्ग बनाए ले, मैं सुख नहीं बन पाई है।